प्लीज हट जाओ। चीज की माफी दूं मैं आपको? दानिश भाई हटाओ ना यार। उस चीज की माफी दूं जो मैंने हर एक एक रात एक एक दिन तुमसे बात करके गुजारा है। नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ के। माफ कर दो, माफ कर दो। किस चीज के लिए माफ कर दो? मैंने जो हेलो दोस्तों, मैं खान। दोस्तों आज जो मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि इनकी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी बखेरा हुआ है ना, और इनको, मुझे ऐसा लगता है अंदर से कि इनको खुशी नहीं देखी जा रही है। यही चीज़ है ना? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो कैसा है, क्या है? इस तरीके से किसी लड़की को जलील करना जस्ट बिकॉज कि वो हैंडीकैप है। हाँ मैं मानता हूँ कि उसने आपको बताया नहीं, आपके अंदर प्यार था, फिर क्या ये चीज़? मतलब प्यार 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 का मतलब समझते हो? किस चीज़ का नाम होता है प्यार? अगर तुम्हारे अंदर इतना प्यार होता ना, तो इतना ना उस बखेरा खड़ा करके नहीं जाते हैं। कितना जलील करके गए थे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्यों बोल रहे हो शूट करने के लिए? बताओ, बोलो। आपके सामने उसने मेरे से झूठ बोला, 1.5 साल से बात हो रही थी उसने मेरे को। यार उसका डर समझ रहे थे, उसका डर समझ रहे थे कि वो अंदर से डरी हुई थी लड़की। मैं शॉक हो गया देख के, खुद समझ में नहीं आया मैं क्या बोल गया। और मुझे पता है तुम्हारे यहाँ आने का रीजन, घर गया। देखी नहीं जाती है। हाँ बोलो। घर गया, उसके बाद मैंने सोचा कि बहुत गलत करा मैंने उसके साथ, उसको कितना बुरा लगा होगा। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, उसे बुला दो बस उसे एक बार। मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा कैसी भी है, मैं किसी से कोई मतलब नहीं है, लोग जो बोलते हैं बोले, मेरे को बस वो चाहिए बस। वो तो अब गई, रिक्वेस्ट है प्लीज़ वो बुला दो उसे। उसका फ्रेंड है सूरज, उसको प्रपोज किया, वो एक्सेप्ट कर ली। वो तो मेरे से प्यार करती है ना, मैं भी उससे प्यार दिख गया ना प्यार। मैं माफी मांगूंगा, प्लीज 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 बुला दो एक। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वो माफी देने का इंतजार कर रही है? तुम्हें लगता है कि वो मतलब सोच रही है कि मैं मतलब विवेक जी आएंगे मैं माफी दे दूंगी? मैंने उसे कॉल करी, मेरा नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया। क्यों होना चाहिए? क्यों अनब्लॉक नहीं रखेगी? क्यों कॉल उठाएगी तुम्हारा? क्यों तुमसे बात करेगी? मैंने दूसरे नंबर उसे भी कॉल करा, उसने आवाज़ सुनते ही ब्लॉक मार दिया। सही किया, व्हाट्सएप पे ब्लॉक मार दिया, बोला आगे से मेरे को कॉल मत करना कि तुमने मेरे को बहुत उल्टा बोला है। मेरे को फील हो रहा है मैंने बहुत गलत करा है, प्लीज़ एक बार उसे बुला दो प्लीज़। वीडियोस जो डले थे देखा था आपने? कितने कमेंट्स आए थे तुम्हारे लिए, क्या क्या आए थे देखा आपने? सब देखा, मेरे को बहुत फील हो रहा है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, प्लीज़ आप उसे एक बार बुला दो प्लीज़ रिक्वेस्ट देख, मैं बुला दूँ ठीक है। मगर सोचो भाई, सोचो थोड़ा कि क्या बीता होगा उस लड़की के दिल पे। 1.5 साल तक वो तुम्हें नहीं बताई, ऐसा नहीं कि बताना नहीं चाह रही थी, उसके दिल में एक डर था कि अगर वो बता दे तो वो अपने प्यार को ना खो दे। समझे बात को? मैं बात करता हूँ और देखता हूँ, एक कोशिश करता हूँ, अगर वो आ जाए देन तुम्हें जो बोलना है तुम बोल सकते हो। मैं माफ़ी मांगूंगा, मैं बनाऊंगा उसे, मैं नहीं जाऊंगा छोड़ के, मैं पक्का नहीं जाऊंगा। हाँ जी दानिश भाई, क्या हाल है आपकी? मैं बढ़िया सूरज भाई, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया दानिश भाई। सूरज भाई एक बात आपसे बोलनी थी।
क्या हो गया दानिश भाई? फ्री हो अभी आज? मतलब आपसे मिलना था, मिलना था आपसे। आप सिमरन को लेकर आ सकते हो? हाँ, मैं लेके आ सकता हूँ, मगर हुआ क्या दानिश भाई? कुछ हुआ नहीं, वो जो विवेक था ना वो यहीं पे मेरे, हाँ यहीं पे है वो, मतलब मिलना चाह रहा है। नहीं दानिश भाई, मैं नहीं लेके आ सकता सिमरन को यार, ये अपनी शक्ल लेके ये दोबारा क्यों आया यहाँ पे? मैं समझता हूँ आपकी बातों को, बट आप भरोसा रखो। नहीं देखो, आप भरोसा रखो मेरे पे। क्या कह रहे हैं अभी, क्या दिक्कत हो गई है? कोई दिक्कत नहीं है, आप भरोसा रखो मेरे पे। आप 5 मिनट के लिए अगर सिमरन को लेकर आ जाओ ना तो मेरे पर मेहरबानी होगी। आप समझे मेरी बात को? दानिश भाई समझो आप, मैं इसको भेज दो यार, वापसी भेज दो इसको। समझो ना मेरी बात को 5 मिनट के लिए। चलो दानिश भाई, आपके कहने पे मैं लेके आ रहा हूँ उसको ना। ठीक ठीक, आप कहाँ पर हो? जहाँ पे वीडियोस वगैरह शूट हुआ था ना वहीं पे हूँ। हाँ जी, वहीं पे उसी जगह पे मैं हूँ अभी, आप थोड़ा सा जल्दी आ जाना। दानिश भाई मेरे को 1 घंटा लगेगा, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। बिल्कुल आ जाओ। देखो अब आए या नहीं आए, बोले तो है कि आपके बात पे आ रहे हैं, बुला दो प्लीज। आए या नहीं आए, ठीक है आ जाए तो जो करना है कर लो, मगर ठीक है दोस्तों। तो वो लोग आ रहे हैं, उसके बाद फिर जो भी कुछ होगा सारा कुछ मैं आपको दिखा दूंगा। और एक और चीज़ दोस्तों, की गलती तो है यार, इसकी गलती है, जो भी कुछ होगा सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। मतलब क्या बताऊँ, ये लड़का जो आया अभी यार, खैर जो भी होगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बिनामो के बारे में बताना चाहता हूं। बिनामो एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां से मैं अक्सर ट्रेड करता हूं, और ट्रेड करके अपने छोटे मोटे खर्च निकाल लेता हूं, थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग, मतलब वहां से कुछ हेल्प मिल जाता है ट्रेड करने के बाद। तो कैसे मैं ट्रेड करता हूं, कैसे अपने छोटे मोटे खर्च निकालता हूं, आइए मैं आपको दिखाता हूं। आइए दोस्तों, मेरे वाले पहले से बिनामो है, मैंने इसे ओपन कर लिया। ओपन करते ही आप देख सकते हैं मेरे रियल अकाउंट में 10,338 रुपये। उसके बाद सबसे पहले पैसे को डिपॉजिट करना पड़ता है, यहाँ पे मैंने डिपॉजिट पर टैप कर लिया दोस्तों। पेटीएम, नेट बैंकिंग, रुपये, मास्टर कार्ड, वीजा, बहुत सारे ऑप्शन है जिसके थ्रू अपने पैसे को आप डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद एसेट सेलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ पे मैंने एसेट पे टैप कर लिया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, मैं तो 7,000 इन्वेस्ट करता हूँ इसलिए मैंने 7,000 पे इन्वेस्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ देखिए अप या डाउन किसी एक पे टैप करना रहता तो थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा, मैंने यहाँ पे डाउन पे टैप कर लिया। अब थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं 12,740 रुपये का मेरा फायदा हो चुका है। उसके बाद ये जो ग्राफ का मैं फीचर दिखा दूँ, ये जो आप ग्राफ अभी देख रहे थे ये भी था बार, ये है कैंडल, मतलब यहाँ पे मज़दार फीचर्स भी है ग्राफ का, जिससे चाहे उसे आप ट्रेड कर सकते हैं। ये है लाइन्स, मज़दार फीचर दिया हुआ है। ये है माउंटेन। उसके बाद एक और मैं फीचर आपको दिखा दूँ यहाँ पर, यहाँ देखिए कस्टमर सपोर्ट्स अवेलेबल है 24/7, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम तो यहाँ से आपको हेल्प मिल सकता है। और बात दोस्तों, यह ट्रेडिंग तो यहाँ पे हमेशा रिस्क बना रहता है, बट अपने रिस्क को आप कम कर सकते हो कैसे, अगर आप जाते हो मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर डाउनलोड करते हो, और डाउनलोड करने के बाद जैसे रजिस्टर करते हो तो आपको $1,000 मिल जाएगा डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहाँ से जाके आपका रिस्क कम हो जाएगा, तो ये मजेदार बात है ना। तो जल्दी जाके डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। दांत बना के रख रखा है यार। मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी।
क्या है ये सब? वो क्या था? दानिश भाई इसको पीछे करो। दानिश भाई पीछे करो। मुझे इधर क्यों बुलाया गया है? पीछे हटाओ यार इसको। वो पागल है क्या? जो आज मेरी बेइज्जती करने के लिए इसको दोबारा बुलाया गया है। प्लीज माफ कर दो। प्लीज हट जाओ। चीज की माफी दूं मैं आपको? दानिश भाई हटाओ ना यार। उस चीज की माफी दूं जो मैंने हर एक एक रात एक एक दिन तुमसे बात करके गुजारा है? उस दिन की माफी दूं मैं तुम्हें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सूरज मिस सूरज मैं इसको देखना भी नहीं चाहती। भाई दानिश भाई पीछे करो इसको यार। क्यों लेकर ये कोई तरीका तो ना है? सूरज मुझे इधर क्यों लेकर आया? रुक जाओ, दानिश भाई ने बुलाया है। दानिश भाई ने बुलाया है, दो मिनट उनकी बात सुन लो। दो मिनट सुन लो, सुन लो। देखो प्लीज मुझे बोलने दो। दो मिनट चुप हो जाए यार। तू बहुत दिमाग खराब कर दिया तूने मेरा यार। मैं पागल ली हूँ? मेरी बात सुन लो। मैं खाली बस उस बंदे के पीछे लेके आया हूँ तेरे को यहाँ पे। दो मिनट नहीं सूरज भाई। सूरज भाई यार ये क्या तरीका है? देखते हैं, बोलने दीजिए क्या ये चाह रहा है या क्या बोलना चाह रहा है, एक बार देख लेते हैं। दानिश भाई यार अब क्या सुने इसकी यार हम? ठीक है जो भी चीज है एक बार देख लेते हैं। क्या तो जिस वक्त में तुम अपनी असलियत दिखाने आई थी यार, फिर वही हरकत करेगा यार। कुछ नहीं होगा, मेरे पे विश्वास रखो आप। ठीक है कि मैं भी एक इंसान हूं। वहाँ पे देखो मैंने कैमरा लगा रखा है, सारा चीज शूट हो रहा है, रिकॉर्ड में कर रहा हूँ। ये आया है मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या कर सकता है, ये क्या है? भरोसा नहीं है। मैं ऐसे करके हाथ जोड़ जो इंसान मुझे ऐसे हालत में देखकर मुझे कैमरे के आगे ठुकरा के जा सकता है, उस इंसान पे मैं कैसे विश्वास करूँ? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार। दानिश भाई आप थोड़ा समझाओ। मैं पागल हूँ, मैं क्यों समझाऊँ? आप बात करो, आप बोले कि मैं बात करने के लिए बुलाया हूँ। दानिश भाई प्लीज इनको बोलो यहाँ से चले जाए मेरे पास से। मेरे की सूरत भी नहीं देखना चाहती हूँ। बताओ यार, मतलब ये लड़की क्या कुछ नहीं की थी तुम्हारे लिए, बस इतना कि ये बस हैंडीकैप है, तुम इसके प्यार को ठुकरा कर गए थे। अभी इसके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा तुमको पता है कुछ? हाँ दानिश भाई इसको बोलो यहाँ से चला जाए, मैं इसको देखना भी नहीं चाहती हूँ। मेरे पास आया ऐसे रोते हुए, मैं क्या करूँ यार इसके लिए? मांग लो माफी, सामने है जो करना कर लो, जल्दी करो यार। माफ कर दो जो बोल भाई। दानिश भाई जल्दी करवाओ, ये नहीं मैं अलाउ कर सकता। मैं एक्सेप्ट करूंगा तुम्हें। भाई क्या एक्सेप्ट करेगा तू? नहीं आप छोड़ के आ जाओ, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ प्लीज। दानिश भाई इसलिए बुलाया था आपने, ये चीजें बोलेगा यहाँ पे इसको यहाँ से ले जाओ प्लीज। मुझे बात नहीं करनी सूरज यार, मुझे इसीलिए लाया गया है क्या? दानिश भाई मैं सुनो ना, मेरी बात तो सुनो। सो प्लीज माफ कर, मुझे इतनी बेइज्जती करी, मैंने गलती करी, मैंने बहुत गलत करा, माफ कर दो। सही हो गया, चला जा आज खड़ा हो फटाफट, चला हट। हो गया भाई हो गया। दानिश भाई हटाओ यार इसको प्लीज, हटाओ प्लीज भाई यार, चल हट जा यार, हो गया बहुत हो गया, चल जा। एक मिनट बात कर लो सूरज भाई, एक मिनट रुक जाओ। सिमरन आप क्या चाहती हो बताओ? मैं इससे बात नहीं करना चाहती, माफ कर दो, मुझे इससे बात करनी नहीं है। ये अपने गलती को एक्सेप्ट करने आया है, मुझे पता है आपके लाइफ में अभी क्या चल रहा है। जो भी चीज है आप देख लो, डिसीजन आपका है, आप जो बोलोगी वही होगा। अब इससे क्या होगा हाथ जोड़ने से? मुझे बस बोला था कि मुझे एक बार मिलना है इससे, मैं बोला चलो। दूसरे बंदे की फीलिंग नहीं है? मुझे फील हुआ भाई, गलत क्या फील हुआ यार, क्या फील हुआ यार, क्या पागल समझ रखा है, खेल है क्या ये? हैं खेल चल रहा है यहाँ पे भाई? सुना कभी मैंने गलती करी है? कभी मार भी लो लेकिन प्लीज वापिस आ जाओ प्लीज। हाँ जोड़ रहा हूँ प्लीज। यार भाई तू कौन सी कैटेगरी का यार बंदा यार, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो यार। मैंने तुम्हें कितना प्यार नहीं किया, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तब तो उसको ठुकरा के गया था ना, दो दिन तक इसने खाना नहीं खाया था। मेरा सगा सूरज, इसको मैंने कुछ नहीं बताया अपने बारे में, कुछ भी नहीं बताया।
तेरा मेरा क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं पता। उसके दिल से पूछ क्या बीती होगी उसके दिल। बस एक आखिरी माफ कर दो मुझे, मैं आगे नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ के। माफ कर दो, माफ कर दो। किस चीज के लिए माफ कर दो? मैंने जो भी माफ कर दो यार, बहुत हो रहा है तेरा यार। प्लीज दानिश भाई, इसलिए नहीं बुलाया था मैंने यहाँ पे। गुलाब लेकर आई तुमने, उसको मेरे मुंह पर फेंक कर मारा क्यों? गलती दिलाया थी मैंने। क्यों किया ऐसा? सबको सुधरने का मौका मिलता है, मुझे भी दे दो एक मौका। दानिश भाई ये बहुत हो रहा है यार। यार कौन सा मौका यार, कौन सा मौका भाई? दानिश भाई हटाओ ना यार इसको यार, इसलिए दोनों लेके आए थे यार, ये कोई मजाक है क्या? गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है भाई ये क्या यार? दानिश भाई इतना मैं अलाउ नहीं कर सकता भाई, मैं जा रहा हूँ लेके यार सिमरन को। मजाक बना के रख रखा है यार, मत जाओ ना। प्लीज 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 मत जाओ, जाओ यहाँ से, चले जाओ। प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ, चले जाओ यहाँ से। प्लीज मत जाओ, छोड़ के मत जाओ, प्लीज रुक जाओ। प्लीज आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, जल्दी आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। प्लीज रुक जाओ, मत जाओ ना, प्लीज बात मान लो ना, प्लीज हट जाओ यार यहाँ से। दिमाग खराब करके रख रखा है यार, पागल बना दिया यार। सिमरन 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 मत जाओ, रुक जाओ। वापिस आ जाओ सिमरन भाई। कहाँ थे आप? समझ में नहीं आ रहा था आपकी एक गलती। आपकी गलती है सर, सर आपकी गलती है, उठो आपकी गलती है, समझे ना, आपके कारण ये चीज हुआ है। प्यार करते तो उस दिन ऐसे ठुकरा कर नहीं जाते। मेरे राजा वे बिनते